1, 2, 3, come on. खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट खबरों के साथ। भागलपुर, अब फूड स्टॉलों पर स्नैक्स के साथ सैनिटाइजर और मास्क भी, रेल यात्रियों को होगी सहूलियत। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बने फूड स्टॉलों पर स्नैक्स के साथ सैनिटाइजर और मास्क भी मिलेंगे। इसके लिए मालदा रेल प्रमंडल के आधा दर्जन स्टेशनों की सूची तैयार की जा रही है। रेलवे पहले फेज में मालदा टाउन, साहिबगंज, भागलपुर, सुल्तानगंज और जमालपुर स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। महीने के अंत तक इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है। यात्री इन स्टॉलों पर निर्धारित मूल्य पर संबंधित सामान खरीद सकेंगे। रेलवे के इंजीनियर सहित 31 कोरोना पॉजिटिव, 5 घंटे में 2 की मौत। भागलपुर जिले में 31 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें रेलवे के वरीय इंजीनियर और 2 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। अब तक जिले में 6,940 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 6,266 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, लेकिन संक्रमित भी प्रतिदिन मिल रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा कि जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। अगर लोग सतर्क रहेंगे तो कोरोना संक्रमण जल्द ही काबू पा लिया। सृजन घोटाला, जिला पार्षद का पूर्व नाजिर नहीं दे रहा ADM की नोटिस का जवाब। भागलपुर सृजन घोटाले के आरोपी जिला पार्षद के पूर्व नाजिर राकेश कुमार यादव को बेऊर जेल के पते पर नोटिस पिछले महीने मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जवाब अभी तक नहीं भेजा। नोटिस का जवाब नहीं मिलने के कारण वरीय जांच नहीं हो पा रही। ADM अरुण कुमार सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। रामविलास पासवान की तबीयत ज्यादा खराब, ICU में भर्ती। चिराग ने LJP नेताओं को लिखी मार्मिक चिट्ठी। पटना, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। इन दिनों वे ICU में भर्ती हैं। उन्हें छोड़कर बिहार आना फिलहाल बेटे चिराग पासवान के लिए संभव नहीं है। अपनी मजबूरी बयां करते हुए LJP सुप्रीमो चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं को मार्मिक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की भविष्य व सीटों के तालमेल को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में किसी भी सहयोगी घटक दल से कोई बात। तेजस्वी का CM नीतीश पर लालटेन का हमला, जानिए RJDIT सेल का पॉलिटिकल प्लान। कोरोना संक्रमण के दौर में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन समस्या चुनाव प्रचार की है। इसके लिए फोकस डिजिटल तकनीक पर है। बिहार के प्रमुख विपक्ष पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी इसकी पूरी तैयारी कर। अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर शिकंजा, कहा बिजली बिल बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। भागलपुर में अब अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन मकान मालिक मनमानी पूर्वक बिजली बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कृषि विधेयक को पप्पू यादव ने बताया किसानों की कमर तोड़ने वाला बिल, 27 को बिहार बंद का आह्वान। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने NDA सरकार द्वारा लगाए गए कृषि विधेयक के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला कानून करार देते हुए विधेयक के खिलाफ 27 सितम्बर को बिहार बंद की घोषणा की। बिहार में 1,555 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,68,542 हुई। बिहार में 1,555 नए कोरोना पॉजिटिव संक्रमित की पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,68,542 हो गई है।
बिहार में चुनावी काल में केंद्र मेहरबान पीएम मोदी 21 को इन 7 परियोजनाओं की करेंगे शिलान्यास। बिहार में आगामी 21 सितंबर को प्रधानमंत्री की ओर से शिलान्यास होने वाली 7 परियोजनाओं से राजधानी पटना आने जाने में और सुविधा होगी। लोग 5 घंटे में ही सफर तय कर सकेंगे। इन पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर ने बताया कि उत्तर से दक्षिण बिहार के आवागमन के लिए महात्मा गांधी सेतु समानांतर नए पुल का निर्माण किया जाएगा। टेंडर के बाद काम अलॉट हो गया है। अप्रोच रोड सहित 14.5 किलोमीटर लंबे इस पुल को 4 लेन बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि भागलपुर का मौजूदा विक्रमशिला सेतु अब अधिक वाहनों का दबाव नहीं झेल पा रहा है। बिहार बीजेपी प्रमुख संजय जायसवाल बोले, चुनाव का एजेंडा तैयार करने के लिए भाजपा जनता की राय लेगी। बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा तैयार करने के लिए भाजपा जनता की राय लेगी और उसके अनुसार ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। रविवार को राजधानी पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ये जानकारी दी। कोशी का कहर जारी, यहां 2 दर्जन घर नदी में समाये, सड़क भी ध्वस्त। सहरसा में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के कारण कुंदह गांव में कटाव की रफ्तार ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। कटाव के कारण जहां मदरसा पूरी तरह से कोसी नदी में समा गई, वहीं मध्य विद्यालय कुंदह का कुछ भाग शनिवार की रात कोसी में लिप्त हो गया। जबकि कुंदह के नवहट्टा प्रखंड के शतौर तक जाने वाली पीसीसी सड़क कोसी की भेंट चढ़ चुकी है। अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों के घर कोसी में समा चुके हैं। अब आंगनबाड़ी केंद्र और CSP केंद्र कटाव के मुहाने। तेजस्वी ने फिर बोला सीएम नीतीश पर हमला, कहा बिहार के 7 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को सरकार पर फिर हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार बिहार के 7 करोड़ युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर कहा कि सरकार बताए कि आखिर राज्य में युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही। तेजस्वी ने कहा कि लालटेन लेकर दूसरों में दोष ढूंढ मिट्टी में मिलने का वादा करने वाले दर्पण में चेहरा देखकर बताएं कि राज्य में 15 सालों में कितने उद्योग लगाए गए। अंततः उन्होंने लिखा कि रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक BTech BCA MCA BBA MBA होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA BSc BCom MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगछिया 9534338689 7856914231 6206224713